200 रुपए में भाई और क्या लोगी? सलमान खान की जींस लोगी क्या? तो भाई यहाँ मिल रहा है ड्रोन। कितने का बैठ रहा? ये भाई का कहने मतलब ये 10-20% भीड़ है। 10% ये देखो पूरी जींस वींस है भाई, ये देख रहे हो पूरी जैकेट है। तो भाई अपन ने 5,000 रुपए ले लिए और देखते हैं भाई कितनी चीजें अपन यहाँ से खरीद पाते हैं 5,000 रुपए में। तो भाई ये देखो कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है। मनीषा भाई कितने का शैम्पू है दोस्त? देखो पुलिस वाले ने बोला भर के अंदर रख दे भाई, ये देखो ये भर के अंदर रखवा रहा है। ये देखो एप्पल वॉच भी मिल रही है भाई पे, ओरिजिनल है भाई है, ओरिजिनल है। अबे ओरिजिनल ये होती है भाई मेरे। तो भाई पिज़्ज़ा आ गया हमारा, इनके बोनस की पार्टी चल रही है भाई। 2100 का बोनस है, 2100 का है? दो कंपनियों में करती हो क्या? बॉस ना देख ले व्लॉग तुम्हारा। मेरे मेरे कानों में ना आवाज नहीं आ रही। एक लड़की ने कहा था एयरपोर्ट दूंगी मैं, एयरपोर्ट ही नहीं आया आदमी। खरी सीधी बन रहे हो, बन रहे हैं, चिली फ्लेक्स भी डाल ले, डाल दो जो मिले डाल दो। सो गाइस अभी अपन निकल रहे हैं यहाँ से, बुलेट हो गए। चलो बाय गाइस, टेक केयर, बाय बाय, हैप्पी दिवाली, आ जाओ। तो भाई अभी अपने को जाना है चांदनी चौक। भाई खुलेगा कैसे? चलो भाई। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं चांदनी चौक चोर बाजार, क्योंकि भाई क्या करें, मेरे को अगले सैटरडे का तो टाइम ही नहीं है। सब्सक्राइबर जा रहे हैं, बाय बाय कर रहे हैं। तो भाई उस घर में अपन पार्टी कर रहे थे, यहाँ तक आवाज आ रही है, देखो भाई यहाँ से यहाँ तक। ये अपनी टियागो है, ये मेरे दोस्त की टियागो है। तो भाई अभी अपन जा रहे हैं अपने कुछ दोस्तों या कुछ सब्सक्राइबर को लेने, ठीक है? तो भाई सीन ऐसा मनीषा, ये बात है 4 दिन पुरानी, मेरे को 2 लौंडे मिले थे जब मैं बर्गर खा रहा था 10 रुपए का। देखो दुनिया कितनी छोटी होती है, अपने वो लोग कहीं भी मिल जाते हैं। तो उन लोगों ने मेरे को स्टोरी बताई, बेसिकली मैं बर्गर का व्लॉग बनाता हूँ, उन्होंने आप व्लॉगर हो, मैंने कह रहा आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा चोर बाजार के बारे में। उन्होंने कुछ बात बताई तो मेरी क्यूरियोसिटी जगी, तो मैंने कहा चलो सैटरडे मिलेंगे अपन, तो उन लौंडों को मिल लेते, मुंह जबानी सुनते हैं चोर बाजार का सच। कौन है 2 बजे बुलाया और वो मेरे सामने खड़े हैं। तो ये देखो 2 लड़के आपको खड़े दिखेंगे, तो हाँ ये हैं, ये लड़के हैं भाई। हेलो क्या हाल है भाइयों? बढ़िया बढ़िया, आ जाओ गाड़ी में बैठो। आपको भी भाई हैप्पी दिवाली, आ जाओ। बढ़िया गाइस बढ़िया। तो भाई पहले तो अपना नाम बताओ। हेलो भाई मैं अंशुमन, मैं सत्यम, ये सत्यम भाई। तो भाई मैं बर्गर खा रहा था 20 रुपए जब ये 2 लड़के मिले मेरे को। तो पहले ये बताओ कि इन्होंने मेरे को बताया था कि ये गए थे चोर बाजार को सामान लेने, और वहाँ पे पहले तो ये बताओ क्या क्या आइटम मिल रहा था वहाँ पे? भाई वहाँ पे बहुत सी चीजें, जैसे GoPro आपका हो गया, ठीक है, आपके लैपटॉप वगैरह हो गए, आपके जूते, खास करके जूते की सबसे बड़ी मेन मार्केट लगती है। फर्स्ट कॉपी शूज, ओरिजिनल भी मिलते हैं जॉर्डन के। वो लोग ये बात बोलते हैं कि भाई ये ओरिजिनल है, वो खुद बोल देंगे कि ये वाला कॉपी है, ये वाला ओरिजिनल है, वो ये बात खुद बोलेंगे बता के कि भाई ये वाला कॉपी है, तो इसलिए मैं सस्ता दे रहा हूँ, पर ये वाला ओरिजिनल है बिल्कुल, ये बात खुद बोलते हैं। और क्या क्या आइटम था भाई? जूतों के अलावा कपड़े वगैरह में भी 200 रुपए की जींस ब्रांडेड है, ब्रांडेड मतलब उनका कपड़ा मटेरियल उनका चेक करना। एक्चुअली ये चीज मेरे भी दिमाग में बहुत ज्यादा क्वेश्चन था, तो मैंने उनसे खुद पूछा था, मैंने कहा भाई आप लाते कैसे हो, इतना सस्ता देते कैसे हो? तो उन्होंने ये बताया था ये सारा सामान जो जब्त हो जाता है ना, वो जब्त माल इनको किसी तरीके से जुगाड़ से मिल जाता है। अच्छा वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे जैसे आईफोन, GoPro, आईपैड, कंप्यूटर, लैपटॉप। आईफोन का ये सीन है कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं अंधेरे में ना, जैसे अंधेरे में दिखेगा आपको कि थोड़ी थोड़ी भीड़ लग रही है, तो आप उनके पास जाओ पूछो, तो वो चुपके से, ऐसे नहीं कि निकाल के भाई ओपन में दिखा देंगे, वो चुपके से पहले बंदा देखेंगे कि हाँ मतलब लग रहा है कि खचरी वचरी सा, फिर उसके बाद फिर वो बता देंगे कि हाँ भाई ऐसे है, थोड़ा चुपके से दिखा देंगे। अच्छा। ये सब करेंगे, पर ये आईफोन ज्यादा मतलब बहुत कम, बहुत रेयर होता है। एक आध चीज के प्राइस बताओ जो तुमने ऑब्जर्व करे थे पिछली बार जब गए थे। GoPro 1500 रुपए में मिल रहा था, GoPro 1500। तो भाई ये मेरे को मिले थे, इन्होंने कहा था आप यूट्यूबर, मैंने हाँ, तो इन्होंने मेरे को बताया। अच्छा वहाँ आईफोन थे? आईफोन भाई हमें मतलब वैसे 4 बजे के करीब कह रहे हैं मिलते हैं, 4 बजे थोड़ा लेट में। 4 बजे तुम कितने बजे गए थे? 2 बजे बेसिकली ये मार्केट लगता है 1 बजे से लगता है, 1:30 बजे से, रात के सैटरडे की रात से, ठीक है। और बेसिकली मेन जो मार्केट होता है ये संडे की अर्ली मॉर्निंग चलता है, 5-6-7 बजे तक तो मार्केट बंद हो जाता है। तो ये सारा गेम है ना भाई सैटरडे नाइट का गेम है, 1-2 बजे से लेके सुबह के 6-7 बजे तक। सही बोला? और मेरी जो पहली वीडियो वायरल हुई थी वो यही हुई थी चोर बाजार की। हर लोगों को क्यूरियोसिटी होती है क्या है क्या नहीं, तो अपन वहाँ जाएंगे एक्सप्लोर करेंगे। मेरे पे 5,000 रुपए अभी निकालूंगा, अभी कैश है नहीं, पेटीएम है मेरे, बट अपन कैश लेके चलेंगे क्योंकि पेटीएम ट्रांजेक्शन वहाँ कोई लेता नहीं। और दूसरा मैं आपको सलाह दूंगा वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स मत लाना जिससे आप ट्रेस हो जाओ, क्योंकि वो माल ये जो कह रहे हैं ना भाई
कि जब्त वाला होता है, वो जब्त वाला नहीं होता, वो चोरी का माल होता है भाई, समझ रहे हो। तो कभी फोन जिंदगी में भूल के मत लाना, गोप्रो प्रो ला सकते हो क्योंकि वो ट्रैक नहीं होता। एक चीज और बताऊंगा गौरव भैया, एक बात बताओ लैपटॉप कितने के आते हैं? लैपटॉप भाई 40-50 मिनिमम, गिरे से गिरे कितने का होगा? 30 भाई, मैं आपको वहाँ 3,000 में दिखवाऊंगा। मैंने 8,000 का देखा है। आठ तो बहुत बोल रहे हो, 3,000 में दिखाऊंगा, 3 में दिखाऊंगा, 3,000। 4GB रैम SSD के साथ चलवा के दिखाऊंगा, हाथ में चला के 3,000 का लेगा। हम लोग तो चला रहे थे वहाँ पे, हम चला रहे थे वहाँ पे। लेके क्यों नहीं है भाई? हमें इलेक्ट्रॉनिक। तुम लेने क्या गए थे? हम जूते वगैरह देखने गए थे। अच्छा, कुछ लेके आए? लेकर आए थे जॉर्डन, लेकर आए हम जॉर्डन वगैरह लेकर आए। अच्छा अच्छा अच्छा, कितने रुपए में ये भाई लेकर आए? 2,200 रुपए। 2,200 का पहना हुआ है? ओके, तो अभी चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे मार्केट और क्या क्या ले सकते हो, क्या क्या नहीं ले सकते हो बताऊंगा। ये शूज भी मैं जो पहने हैं, ये भी वहीं से लिया हुआ जो अभी पहना है, लेकिन ये जॉर्डन नहीं है, नॉर्मल। दिखाओ भाई, ये नॉर्मल है, पुराना है। कितने का लाए थे भाई ये? 600 रुपए के। अच्छा, 600 रुपए के मात्र है, पर उस टाइम बड़े प्यारे थे। तो अभी चलते हैं, पहले मैं CNG भरा लूं। ये देखो CNG हो गई, टिया हो गई खत्म। मैं थार लेके इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि चांदनी चौक में बहुत सब्सक्राइबर मिलते हैं। आ जाओ भाई, CNG भर गई अपनी। और भाई अगर आपने मेरा व्लॉग नहीं देखा ना, मैंने टियागो पे PPF कराई थी, कितनी शाइन मार रही है, देख रहे हो भाई। चलो जी चलो, तो अभी बज रहे हैं 2:15-20 मिनट में पहुंच जाएंगे। चांदनी चौक भाई, मेरा भी वायरल हुआ था, तुम्हारा भी वायरल है, कितने चले गए? 1 मिलियन। क्या बात कर रही हो, चांदनी चौक का हर एक का वायरल होता है। और जिसको भी नहीं पता ना, मार्केट व्लॉग जितने भी आए ना भाई, दिल्ली का सबसे पहला व्लॉगर मैं था। और जितने भी मार्केट व्लॉग्स लोग बना रहे हैं अभी, सब मेरे से सीख गया। सबसे पहले मैं मार्केट ब्लॉग बनाता था, मेरा चांदनी चौक का सबसे पहला वायरल हुआ था, उसी को देख के तुम्हें पता है इंडिया में एक बंदा निकालता कॉपी हजारों बन जाती है। आज की डेट में भी तुम सर्च मारोगे ना डेट से, सबसे पहला ब्लॉग चांदनी चौक का ऑल ओवर इंडिया मेरा था भाई। दूसरा तुम्हारा तो भाई 1,000-2,000, और सारे लोग मेरी कॉपी कर करके वहां पहुंचे और सबके चैनल वहीं से उठे हैं भाई, ठीक है। फिर लोग मार्केट में रह गए, मैंने तो टाइमली स्विच कर दिया, क्योंकि भाई मार्केट ब्लॉग्स में ना वो हाइप नहीं है, वो इज्जत नहीं है, है ना। लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में बंदे की इज्जत होती है, एक रेपुटेशन बन जाती है। मार्केट में क्या है, फिर मार्केट में भटकते रह जाओ जिंदगी में, 2,000-2,000 रुपए में प्रमोशन करते रह जाओ दुकान की, है ना। यही है। तो अपन तो भाई अब बड़े प्लेयर बन गए हैं, तो टाइम टू टाइम लाखों छापते हैं। कहाँ लाखों, लगते भी तो है यार, अब लाखों कमाते फिर सुपर बाइक में फिर लग जाएंगे। भाई अभी अपन आ गए हैं ATM के पास, 5,000 रुपए निकालने, और देखते हैं भाई 5,000 रुपए में क्या क्या आइटम मिल जाएगा अपने को। तो गाड़ी अपनी ये खड़ी, तो ये रहा ATM, आइए तो चलते हैं भाई चांदनी चौक में, ये आ जाओ। तो भाई मेरे पे तो कैश ही नहीं था, भाई से ले रहा हूँ मैं कार्ड। तेरी मौज हो तो तुम्हारी हो भाई साहब, सोने की नौकरी है, गजब। निकालो, पर्स रख दिया है यहाँ पे मनीषा का, सारा गोल्ड वोल्ड डाल के गाड़ी की डिग्गी में, और ये कर देते हैं अभी बंद ताकि हमारा गोल्ड सेफ रहे। है? क्या कह रही हो? गाड़ी चेक कर ली ढंग से? हाँ हाँ, मेरे को ज़्यादा धक्का कम हो गया। तो पहन लो भाई, मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा फिर। ये क्या बात करता है यार? गाड़ी के अंदर तुम जिम्मेदार है? गाड़ी के अंदर मैं हूँ, गाड़ी के बाहर मैं नहीं हूँ। तो भाई गाड़ी अपन ने लगा दी है पार्किंग में, ये देखो ये पूरी पार्किंग है गाड़ियों की। चले भाई देख लो यार इसकी, आ जाओ, तो बता भी नहीं सकते ना भाई। तो भाई पैदल अपन चल के जा रहे हैं सारे, यहाँ से राइट लेते हैं। ये देखो ये रेड फोर्ट है ना, रेड फोर्ट के सामने ही लग रहा है जस्ट मार्केट अपोजिट में, तो ये लेफ्ट में पार्किंग है। तो भाई मनीषा को डर नहीं लग रहा? नहीं लग रहा, अब तो मुझे गाड़ी का डर लग रहा है, सच बताऊं तो। अरे कोई नहीं ले जा रहा यार, वैसे तुम बहुत अमीर हो, कोई टेंशन नहीं। तो भाई देखो गरीब लोग कैसे रहते हैं भाई, यहाँ पे देखो सो रहे हैं बेचारी, जगह पड़ी है। तो भाई ये देखो अपने पे है 5,000 रुपए। तो भाई अपन ने 5,000 रुपए ले लिए, और देखते हैं भाई कितनी चीजें अपन यहाँ से खरीद पाते हैं 5,000 रुपए में। तो ये भी पूरी जीन्स है यहाँ पे, ये देखो उस साइड भी जीन्सों का मार्केट है पूरा, शूज भी है। आ जाओ चलते हैं, शूज वूज देख के आते हैं। अच्छा तो भाई ये कपड़े वपड़े मिल रहे हैं यहाँ पे, ये देखो भाई। भाई कितने के दे रहा भाई ये? 200 में। और गजब जब उससे भाई, ये मार्केट कितने बजे तक लगता है दोस्त? 8 बजे तक। तो सारे माल बेच लेता भाई, तू सारा माल बेच लेता भाई, हाँ कह रहा है। ये देखो पूरी जीन्स है भाई, ये देख रहे हो पूरे जैकेट है, सर्दी होगी। तो भाई ये देखो कितनी भीड़ बढ़ती जा रही है मनीषा। तो अभी बज रहे हैं भाई रात के 2:30,
तो भाई बेसिकली अपन लैपटॉप, जिम का सामान और एयरपॉड्स और एप्पल वॉच देखने आया है। दिखेंगी अच्छी मशीन वगैरह है अंदर की तरफ में, जिम का सामान है अच्छा। चलो तो अपन ये कपड़े जूते चप्पल तो बाद में देखेंगे, तो मेन पहले वो देख के आते हैं। भाई कितनी भीड़ है भाई, अंत ये देखो भाई, ये पुलिस तो जब भी खड़ी थी जब अपन आए थे, ये देखो तो पुलिस भी यहाँ पे। माल सर्दी का माल कितने का भाई है? भाई कितने का शैम्पू है दोस्त? कितने का? चोरी का माल होता है, चोरी का माल है। तो भाई कहाँ की चोरी का माल है भाई? ये कस्टम का होता भाई, ड्राइव लाइन के निकालोगे। शैम्पू लगाया, गंजी खोपड़ी पाए। बेसिकली भाई ये पता ही क्या है, बोतल बनवा लेते 50-50 रुपए में, अंदर शैम्पू भर देते हैं। शैम्पू नहीं, पानी घुला हुआ होगा इसमें। ये तो है भाई, रात के 2:30 बजे, ये देख रहे हो 2:30 बज रहे हैं और मार्केट लग रहा है भाई। तो बेसिकली यहाँ जीन्स और जैकेटें तो ज्यादा मिल रही है ना, बहुत ज्यादा कपड़े। ये देखो भाई, तो ये है भाई जिम का सामान मिल रहा है भाई यहाँ पे, डंबल। भाई ऑन कितने का दोस्त? कितने का दोस्त? भाई वीडियो मत बनाओ, कितने का? चलो 300 रुपए का फोन दे रहा था भाई। जब मैं पुराने टाइम में आया था तब भी यही लगता था भाई, सेम मार्केट लगता था। तो अभी भी सही आ गए हैं भाई अपन। तो भाई यहाँ ना लोग डरते हैं कि भाई वीडियो बना रहे हैं ना, बहुत डरते हैं। वो कह रहा 300 रुपए का फोन दे रहा था, बट वो कैमरा बंद करो, कैमरा पता नहीं क्या बसड़ है भाई। देखो पुलिस वाले ने बोला भर के अंदर रख दे भाई, ये देखो ये भर के अंदर रखवा रहा है। ये देखो पुलिस वाले अपना कोटा पूरा कर लिया भाई, ये देखो बता रहा था ना। हाँ भाई जैसे बताया उन्होंने वैसे ही करा भाई, ये देखो भाई। भाई ये देखो ये पटरी भाग ले लेके भाग रहे भाई अपना सामान, पुलिस घूम रही है ना भाई। ये देखो देखो पुलिस वाले पकड़ रहे हैं, सामान रखवा रहा पुलिस वाला उसमें अंदर। ये पुलिस गई, ये बेशरम फिर आ गए भाई। यह खेल पूरी रात चलता रहता सी। अच्छा अच्छा, हाँ ये देखो फिर आ लिए वापस सारे, ये वापस लगने लगी मार्केट भाई पीछे। तो ये देखो पूरी भगदड़ मच गई थी, अब वापस सेट करने लग गए भाई। देखो खोल रहा है भाई सामान, ये देखो फिर आ गए वहाँ, ले के भाग गए थे कि वो पुलिस वाले माल ना ले जाए, ये फिर सेट होने लग गया माल। तो भाई सीन ऐसा है यहाँ पे, इतने सब्सक्राइबर मिल रहे हैं ना, हम भाग भाग के आ रहे हैं क्योंकि सब मेरे को पहचान रहे। तो आगे का ब्लॉग करेगी मनीषा कंटिन्यू, ठीक है? मैं गाड़ी में जाके बैठ रहा हूँ, तुम 4-5 आइटम खरीद के लिए आना बस, ठीक है? एक आध शर्ट खरीद के लाना 150-200 की, ठीक है? मेरे लिए ओवर साइज कुछ भी खरीद के लाना, ठीक है? तो भैया कितने के हैं ये? 200 रुपए सेट है, तीन तीन सेट। हवा तो नहीं निकलेगी खोलने के बाद? कितने का? तो ये है ओवर साइज टी शर्ट। तो गौरव के लिए मुझे ओवर साइज टी शर्ट चाहिए, कौन सी अच्छी लग रही है बताओ? ये वाला दिखाना। तो अभी मैं वाली ओवर साइज वाली टी शर्ट निकलवा रही हूँ, ठीक है? तो अच्छी सी लग रही है मुझे, कैसी लग रही है तुम बताओ? अच्छी लग रही है, देखना पड़ेगा भैया ऊपर आती है कि नहीं। हाँ तो खोल के दिखाओ इसको, ये तो छोटी रहेगी, बड़ा साइज साइज का इशू है नहीं तो हम जरूर लेते हैं इसको, मुझे पसंद भी आ रही है। कितने की? 2200। खोल के दिखाओ तो एक पीस। तो 500 से स्टार्ट है ये, 500 से स्टार्ट है ये, 500 की है यार। ये अल्ट्रा वाली खोलो ना फिर, अभी अपग्रेड कौन सी है? ये यही है ना, ये वाली अपग्रेड, ये खोलो। इसका क्या प्राइस है? ये भी दिखा देना। तो ये गौरव ने ऑलरेडी, हाँ हाँ खोलो आप, तो ऑलरेडी गौरव के पास है। तो मैं ये फिर से देख रही हूँ, ये मैं अपने लिए देखूंगी। ये कौन सा? तो इसका नाम क्या है, नाम बताओ? अल्ट्रा एट है ये। कितने में दोगे भैया ये वाली? कितने में दोगे? ये 500 रुपए। तो ये कार्ड हटा सकती हूँ मैं? हटाना एक बारी। टचस ठीक है इसका? ये तो उसके हैं। हाँ ये वाले इसके हैं, सिमिलर है। और इसके साथ मिलेगी चार्जिंग केबल भी है इसमें साथ, ये भी है। तो ये चार्ज भी हो रही है और ये इन्होंने 500 का रेट बताया है, लेकिन मैं इसको ना कम में लेने की कोशिश करूंगी। ये पैक करा रहे हैं दीदी, 400 में ज्यादा है। मैं तो कह रहा हूँ 300 से, ये 300 में मिल जाती है यार दीदी। 300 फाइनल करते हैं, 300 फाइनल कर दो भैया, 300 लास्ट देंगे। तो हमने ले लिया है, ये हो चुका है हमारा फर्स्ट आइटम कलेक्ट। तो हमें यहीं पे ना एयरपोर्ट्स भी मिल गए हैं, तो ये भी हमें लेना है क्योंकि गौरव के हो चुके हैं खराब, इसलिए है ना ये हमें पर्सनली हमें अपने खुद के यूज के लिए ले रहे हैं। तो पहले भी लेते आवाज़ उसमें ना खराब आने लग गई थी, तो ये ना हो कि बस अभी गए वो आवाज
झिरझिर ऐसे खराब हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। पक्की बात, पक्की बात है। तो ये हम ट्राई कर रहे हैं। तो यहाँ पे है ना कुछ कुछ लोग है ना वीडियो बनाने के लिए ना परमिशन दे देते हैं, कोई लोग नहीं देते हैं, तो सोचते हैं सिर्फ वीडियो बनाने के लिए आए, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये खुल गए हैं हमारे एयरपॉड्स। ये कौन से वाले हैं? एयरपॉड्स प्रो, प्रो है, लेटेस्ट है ये वाले। इसके अंदर तो ये कनेक्ट करके देख लूं, कनेक्ट करो भाई, मेरा फोन निकालो। तो यहाँ पे एयरपॉड्स प्रो ये कनेक्ट हो चुका है, साउंड टेस्ट लगता है। दीदी को सुनाई भी नहीं आ रहा कुछ। साउंड कैसा है? ओके बाहर की आवाज आ रही है आपको? नहीं आई। वो कितने का बताया? मुझसे बात करो। नहीं ज्यादा भैया, 500 की है, इसके नीचे की 500। नहीं तो ठीक हो जाओ, देखो वीडियो में आओगे, 500 मिनट का चैनल है, दुकान पर सीधा। मैं थोड़ा लालच दे रही हूं। तो ये देखो, ये सारा ये GoPro है और इसकी ये एक्सेसरीज वगैरह सब है इसके अंदर। तो ये मिल गया हमें GoPro। यार पकड़ना शुरू भैया, थोड़े स्पेक्स भी बताना कि कितने फ्रेम रेट है इसका, क्या है। तो देखो इसके ना मुझे ये भाई 1200 का, ये 800 या 700, ये 1200 की, इसमें छोटी वाली आती है, ये 1200 की बता रहे हैं। हमारी सेम है जो हमने, सेम है हमारी, सेम है। तो ये हमारी है, हम सस्ते में लेकर आए। तो देखो इसका मुझे ना आइडिया नहीं है, तो मैं गौरव को बुला रही हूँ ये चेक कराने के लिए, क्योंकि इसकी नॉलेज गौरव को है। भाई ये ड्रोन दे रहे हैं, भाई कितना सही ड्रोन है भाई, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ यार, ये लेने वाली चीज है ड्रोन। देखो इसमें ये देखो, पॉडकास्ट शूट के लिए ना माइक और लाइट, ये भी बढ़िया चीज है। ये कितने का? ये कितने का? 800 का। तो भाई मोटो व्लॉगिंग के लिए यहाँ पे भाई देखो एक्शन कैमरा ही मिल रहा है भाई, भाई पे बढ़िया सौदा है। और देखो एप्पल वॉच भी मिल रही है भाई पे, ओरिजिनल है भाई, हैं ओरिजिनल है। अबे ओरिजिनल ये होती है भाई मेरे, ये है फर्स्ट कॉपी। चलो जो भी है अच्छा है, तो हाँ लास्ट 700 का बोल रहा है अपने को, तो 300 का समझ आ रहा है। चलो ठीक है भाई, मैंने ड्रोन के 1500 लगा दिए। नहीं देना लास्ट, ये कितने? 2000 इसके ड्रोन के, और इसके 500। नहीं भाई लास्ट। तो भाई ऐसे चीजें मिल रही हैं भाई यहाँ पे तो बहुत सही सही, लेकिन क्वालिटी बहुत रद्दड़ है। लोग बोलते हैं ना चोर बाजार, ये चोर बाजार नहीं है, ये मंडे ट्यूसडे मार्केट जैसा है, बट इसका नाम रख दिया चोर। यहाँ चोरी का कुछ भी माल नहीं है गाइस, कुछ भी जिसे कहते हैं। जब है ना तुम कोई सामान देख रहे होते हो ना, तो पीछे से लोग ऐसे ऐसे आके छिपक के चलते हैं, वो ना फिर चोरी, हाँ चोरी की। और मैं ना पीछे ही देखती रहती हूँ सबसे ज्यादा, पीछे चुपक रहे। बेसिकली क्या है, ये सामान चोरी के लिए चोर बाजार नहीं है, यहाँ लोग चोरी करने आते हैं इसलिए चोर बाजार है भाई। तो भाई अभी वो दोनों गए हैं मुर्गा पकड़ने। बेसिकली जो यहाँ पे बैग टांग के घूम रहा है ना, कोई गरीब सा है फटे कपड़ों का लड़का समझ लो, वो डीलर है, और जिसका आगे बैग टंगा है वो। और यहाँ पे इलीगल तरीके से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स ही बिक रहा है, बाकी तो जीन्स और टी शर्ट ये तो वीडियो ही बनवा रहे, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं ना भाई, वो इलीगल तरीके से बेच रहे हैं और वो वीडियो भी नहीं बनवा रहे। तो मुर्गा ढूंढने गए हैं, कौन देख रहा, कोई बैग वाला ढूंढने गए हैं, तो उस पर आईफोन हो शायद, तो देखते हैं आईफोन का वेट कर रहे हैं। देखते हैं ना अपनी स्टेटमेंट चेंज कर लेते हैं, नहीं हम बेच नहीं रहे, हम तो फूड ढूंढ रहे हैं। हाँ ऐसे बेसिकली उन्हें लगता है ना कि हल्की सी भी कोई ब्लॉगर है या कोई ब्लॉग बना रहा, वो तुरंत कहेगा आईफोन। मैं कहूँगा बता है तेरे पे, कह रहा नहीं, फिर मैं तो पूछ रहा हूँ मैंने, अच्छा जी तू हमसे पूछेगा। वो बंदा नहीं आ रहा, ना वो बंदा आ नहीं रहा, वो जिससे हम जा रहे हैं वैसे हमें देख के आगे भाग जा रहा है, उसको पता लग गया ब्लॉगर है, शिकारी आए हैं आज मैदान में, ये वो इसीलिए आगे भाग रहा बार बार। देखो भाई LED रखी हुई है भाई, कंप्यूटर है भाई, ये देखो माइक्रोवेव वाइक्रोवेव सब है, LED भी है भाई। LED का रेट पूछा? 8500 का बोल रहा, वो 6000। चलो सही है, आ जाओ अपन और अंदर गली में चलते जा रहे हैं भाई, कबाड़ मार्केट में आ गया। ये 2000 रुपए दे देंगे मैडम, चल आगे लाना है। 2000 है जी, आवाज दिखाने इसके, तेरे बाप की शादी है कह रहे। आज तो बहुत तेज बहन जी, तो सुनाओ, तो सुनाओगे तभी तो। एक मिनट मोबाइल चले, सही है सही है, जगराते की। चलो तो भाई ये लैपटॉप मिल रहा भाई 5000 रुपए का, भाई सही चीज है भाई, 5000 सही है भाई। विंडोज 7 है यहाँ, तो विंडोज 7 के साथ मिल रहा भाई,
बाकी सबसे महंगा लैपटॉप कौन सा भाई? i7 का है। चलो छोड़ो i7 भी है, छोड़ो आ जाओ आगे चलो। तो अभी और अंदर चलते आ रहे हैं भाई। तो भाई इन पे सारा वैसा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये देखो भाई इनकी फट गई है भाई। आ जाओ आगे चलते हैं। सबके सब चोर हैं साले। तो भाई यहाँ मिल रहा है ड्रोन, कितने का है भाई ड्रोन? ये ड्रोन था भाई अपने प्राइस से बाहर है तो अपन ले नहीं रहा भाई, 3000 बोल रहा है बंदा ये। चले और इसकी गारंटी भी नहीं है बूढ़े। चलो हाँ रहने दो, ये देखो लैपटॉप भी ले सकते हो ये। चले भाई चलो यार अब चलते हैं यार, बहुत लेट हो गए। यहाँ पे खाने पीने का ही मिल जाएगा अगर थक जाओगे तो। ये भाई गर्मा गर्म छोले भटूरे कितने रुपए प्लेट है भाई? 30 रुपए। बढ़िया भाई खाओगी? मन तो कर रहा लेकिन आता नहीं। स्केट बोर्ड 600 रुपए का, तो 300 रुपए गिनना है भाई को। अरे कर दो यार। अरे लो भैया पकड़ो। अरे कर दो यार कर दो भाई। हो गया भैया डन। तो मेरी कसम भाई मेरी पहली बार आ रहा हूँ भाई, प्लीज प्लीज भाई। अरे रख लो यार। चलो ये ले लिया अपन ने, तो ये एक स्केट बोर्ड ले लिया अपन ने। आ जाओ। तो भाई 900 रुपए का ये ले रहे भाई अपन सौदा, सारे सेम ही है। ले लो गोप्रो ले लिया भाई अपन ने अभी। गिनो लो भी आप। लो जी लो। अरे भाई साहब 250 को भाई साहब को 900 रुपए दे दिए। जितना उसके साथ सेट आता है पूरा सेट है पक्का। खोल के एक एक चीज देखिए चल रहा भाई है एकदम ओके है भाई। ना भीड़ बढ़ती जा रही है, अब निकलते अपन यार। निकले बेसिकली बस इतना सामान है, बस मेरे को एक जीन्स और लेने में यहाँ की कपड़े की क्वालिटी और देखना चाहता हूँ तो वो अपन लेते हैं। अंधी भीड़ हो गई है भाई यहाँ है ना। लिवाइस की वो है हुडी है? लिवाइस में लेबर है, लेबर की हुडी है। बताओ अपने, तो अपने को एक भाई मिला जिसपे घड़ियाँ भाई कितने कितने का सौदा भाई? 250 रुपए का है। ये दे दे भाई 200 का दे दे। 200 का 200 का खरीदनी है। तो भाई अभी मैं आया हूँ जीन्स लेने हैं। यार ये प्रिंट वाली दो ना यहाँ से। प्रिंट वाली ना ये कितने की है? 200 रुपए दिखाना। तो भाई 200 रुपए की जीन्स है भाई, ये देखो भाई सही लग रही है? हाँ अच्छी लग रही है। लो भाई लो ले ले लेते हैं इसको। ये भाई हमारा चोर, कब से बेच रहा है भाई चोर बाजार में? 4-5 साल हो गए। आपके हाँ ये ना, एक तो मैं मोटा हो गया ना भाई बिरयानी खा खा के। नो स्ट्रेच है भाई। चलो जो भी है भाई 150 रुपए दे रहा हूँ दोस्त। नहीं भाई चल ले भाई, नाराज क्यों हो रहा भाई? पैक कर दो। तो भाई कितने कितने बजे तक लगता है ये मार्केट दोस्त? सुबह से लगता है बड़े भाई, रात में लगता है 1 बजे। अच्छा और सुबह कितने बजे तक? शाम तक 10 बजे तक। शाम को 10 बजे तक चलेगा? अरे ले लो यार ले लो छोड़ो कोई ना। 200 रुपए 200 रुपए में भाई और क्या लोगी? सलमान खान की जीन्स लोगी क्या? तो 200 बक्स का अपन ने ये ले ली जीन्स। लगना चालू हो गया मार्केट, अभी बज रहे हैं भाई अपन ने 4:09 हो गए भाई। तो ये देखो मार्केट पीछे लग रहा था, पूरा पीछे छोड़ दिया है। अब चलते हैं पार्किंग में भाई है। तो ये रही अपनी गाड़ी, चलते हैं। 5000 थे, अभी नोट गिन रहे हैं कितने बचे हैं। 2500 रुपए बचे हैं। तो 2500 की शॉपिंग हो गई। 2500 रुपए। तो भाई 2500 की इतनी सारी शॉपिंग करके लाए हैं वो भी चोर बाजार से। तो भाई घर जाके इनकी क्वालिटी दिखाऊंगा, अनबॉक्सिंग करते हैं, अभी कुछ खाने चलते हैं। चलो भाई 4 बज रहे हैं, गाड़ी लूप बैक। सो गाइस अभी अपन ने ना वहाँ खाया नहीं, क्योंकि वहाँ आप खाना मत, क्योंकि खाना बहुत ही रद्दड़ मिलता है। लोग चार दिन तक नहा नहीं रहे हैं और वो बना रहे हैं, और कितना सुंदर लग रहा है भाई यार ये। तो अभी अपन जा रहे हैं बिल्कुल पास ही जगह है, ये है यहाँ गुरुद्वारा है चांदी चौक, शीशगंज गुरुद्वारा है। तो वहाँ चलते हैं और वहाँ पे खाएंगे अपन चाय वाय पानी वानी। तो वहाँ पे भाई दिवाली वाले दिन देखो 4 बजे फूलों की मार्केट लग गई। तो भाई अभी अपन आ गए हैं शीशगंज गुरुद्वारे, ये देखो भाई। तो अभी यहाँ अच्छा खाना मिल जाएगा अपने को, सामने टपरी है ये देखो वो रही टपरी, तो खाते हैं। मनीषा की ना चुन्नी फट गई है कि ये घटिया क्वालिटी का कपड़ा है, चोर बाजार से लाई हो गया तुम भी। दिख रहा है राजस्थानी कपड़ा, एक दिन भी नहीं चला। ये पतला कपड़ा होता है। तो हो गया भाई काम 35।
तो भाई अभी ये बने भाई, ये देखो मक्खन वाले कॉफी में डुबाया। मिल जाए भाई शांति, पूरा टाइम चिक चिक से ना मेरा दिमाग खराब हो गया भाई, है कि नहीं मनीषा? Six and a half hours later. So guys, आज है next day और क्या है, मैं रात को आती ही ना, मतलब सुबह आती सो गया था, 4 बजे मैं उठा हूँ, आ जाओ जो मैं सामान लेके आया हूँ, अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं इनकी क्वालिटी कैसी है। दो सौ तीन सौ चोर बाजार से माल लेके आया मैं, आ जाओ। तो भाई सबसे पहले अपन लाए थे बैग, फिर अपन लाए थे वॉच, वॉच के अंदर पंजर गिर गए। अरे नकली वॉच है यार, ठीक है। और फिर लाए थे अपन ये जीन्स, तो एक एक करके टेस्ट करते हैं। और गोप्रो भी लाया हूँ, ये गोप्रो लाया हूँ। तो बेसिकली अपन लाए थे जीन्स, गोप्रो, एप्पल वॉच, स्केटबोर्ड और ये बैग। बैग कितने का होगा? बैग 150 रुपए का। हाँ, मम्मी पहले चोर बाजार से खरीदती थी ना। हाँ, चोर बाजार से खरीदती थी मैं, और तू तो खरीदती थी इसके? ये गोप्रो कितने का हुआ? गोप्रो होगा 1500 रुपए का, 1000। और मैं तो बिल्कुल सही हूँ, मुझे लगता है 300-400 का ये 200 मेरी जान। तो भाई सबसे पहले आते हैं स्केटबोर्ड पे। तो भाई इसकी क्वालिटी ना ये देखो कुछ ऐसा है, इसकी क्वालिटी बहुत थर्ड ग्रेड है और मेरे ख्याल से 4-5 बारी के यूज में टूट जाएगा। और इसकी जो टायर्स है ना फ्लेक्सिबल भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने टायर में ग्रिप नहीं है, जैसे एक ग्रीसिंग होती है ना वो नहीं है। अब जैसे देखो मैं चल के चलूंगा ना, चल ही नहीं रहा, अटक रहा है, नहीं तो ये फ्लो स्मूथ फ्री फॉल होना चाहिए था इसका, ये देखो फ्री फॉल है ही नहीं, नहीं है, अटक कटक के चल रही है। तो अच्छी क्वालिटी का माल नहीं है और लोकल पेचेस लगाए गए इस पे, ये देखो तो मजा नहीं आ रहा। अब भाई मैं लेके आये 200 रुपए की जीन्स, तो अब जो 200 रुपए की जीन्स और ये है जारा की जीन्स, इसकी फिटिंग देख लो कैसी है भाई, ठीक है। तो अब 200 वाली जीन्स देखो कैसी होती है। तो भाई ये है जीन्स, ये देखो मेरे ऐसे 3 आ जाए इसमें, ये देखो इतना मामला है इसमें, खूब चौड़ी है। बट अगर कोई मोटा बंदा हो तो भाई 200 रुपए की जीन्स कोई बुरी नहीं है, क्वालिटी ठीक है इसकी। ये तो बेल्ट पहन के या स्टिचिंग करा के ठीक हो जाएगी, ठीक है। ये देखो तो ऐसी लग रही है कुछ 200 रुपए की जीन्स तो ओके है, कपड़ों के मामले में ठीक है। टी शर्ट है मत लाना क्योंकि वो धोखे ठंडी हो जाती है, मतलब छोटी हो जाती है। अब रही बात इसकी गोप्रो की, तो भाई इसमें आपको मिलेगा गोप्रो 4K अल्ट्रा, लेकिन ये 4K में रिकॉर्ड नहीं करेगा, इसकी मैं फुटेज चलाऊंगा अभी। और बाकी कुछ माउंटिंग मिल जाएगी, ये भी कुछ माउंट है, ये अपने मैं असली गोप्रो में यूज कर सकता हूँ, मेरे को माउंट्स की जरूरत भी थी। तो ये जितने ही माउंट्स है ना ये मैं अपने असली गोप्रो में यूज कर लूंगा, ये मेरे काम आ जाएंगे। ये देखो तो ये वैसा वाला है, अपना लगा दिया गाड़ी में, काफी सारे माउंट्स हैं। ये देखो ये इसका कवर है और बाकी इसका एक और LED मिल जाएगी, स्ट्रैप है, ये चार्जिंग केबल है, ठीक है। बाकी ये माउंट्स है, सारे माउंट्स ही हैं, ठीक है। अब इसकी क्वालिटी पे स्विच करते हैं और आपको दिखाता हूँ ये कैसे रिकॉर्ड करता है, उससे थोड़ी ब्लॉगिंग भी करते हैं। भाई अभी मैंने घड़ी ना चार्ज करी, तो इसका ये चार्जर है बड़ा लोकल सा, बहुत लो क्वालिटी, हर चीज की लो क्वालिटी, ये लोकल है, ये मेरी ओरिजिनल वॉच है। तो भाई ओरिजिनल वॉच देख लो कुछ ऐसी दिखेगी, देख रहे हो भाई ओरिजिनल की फिनिशिंग क्वालिटी और ये सब। तो ये भाई 1 लाख की आती थी, ये 300-400-500 की ऐसी, मैं तो रेट भी भूल गया। तो ये इसकी ये क्वालिटी है भाई, तो इसके सारे बटन वर्किंग है। वैसे ये मैं दबा रहा हूँ इसकी, ये देखो कि ये कैसा आ रहा है, और मैं इसका ये दबाऊंगा तो ये देखो ये कैसा आ रहा है। तो दोनों में फर्क है भाई, ये देखो इसका मैं टच आगे पीछे करूंगा ना, ये देखो टच, ये देखो आगे पीछे आगे पीछे। और इसका मैं करूंगा, ये देखो इसका कैसा है भाई, ये लैग हो के चल रहा है, मतलब टच भी अजीब सा है, यहाँ दबाऊंगा तो कुछ और खुले, यहाँ दबाऊंगा। तो ये बटन दबाने से इसमें आता है, ये बटन दबा रहो साइड वाला, तो कुछ नहीं आ रहा। इसमें देखते हैं इसमें दबाने से क्या आएगा, ये देखो। तो इसकी कितनी प्रीमियम फिनिशिंग है, ये देखो भाई तुरंत सॉफ्ट। और अब ये लेफ्ट वाला बटन दबाऊंगा तो देखो क्या आता है, ये वाला भाई, ये देखो इसका टच भी ना बहुत हैंग हो के चलता है, एक फ्लो नहीं है, स्मूथनेस नहीं है। अब ये देखो इसका ये साइड बटन दबाऊंगा ना तो ओपन वर्कआउट दिखाता है, ये देखो। तो भाई इसका वो देखो भाई सॉफ्टनेस कैसी ओरिजिनल की, तो वही से आपको पता लग जाएगा ओरिजिनल लोकल में फ़र्क। ये देखो भाई, ये देखो इसके फॉन्ट भी ना अजीब से टेढ़े मेढ़े फटे हुए से हैं, क्वालिटी नहीं है। इसके फॉन्ट देखो भाई कितने क्लियर हैं, ये देखो, देख रहे हो। तो भाई ये थी भाई ये लोकल और ये ओरिजिनल का फ़र्क। तो भाई अब बात करेंगे भाई लोकल गोप्रो की, जो अपने को मिला 1000 रुपये का, और ये ओरिजिनल गोप्रो, ये गोप्रो ही गोप्रो 35000 रुपये का, प्लस 7000 रुपये का ये माइक है जिससे आपकी ऑडियो एनहेंस होती है, बहुत क्लियर ऑडियो आती है 300 की स्पीड पर भी, सारे मोटो ब्लॉगर यही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसको ऑन करा, इसमें मेमोरी कार्ड डाला, बट इसकी जो क्वालिटी है ना भाई वो बहुत ही टट्टी है। ये देखो ये अपन ने गोप्रो ऑन करा, ये कुछ ऐसा दिखा रहा भाई, ये देखो, ये इसको आप 4K कहते हो भाई, इसको 4K कहते हो। मैं इसकी फुटेज ना भाई मैं चला दूंगा और आप देखना भाई कैसे वर्क कर रहा है।
तो भाई अब आप देख रहे हो ओरिजिनल GoPro में जो मेरा 40,000 रुपए का पड़ गया था, इसमें क्या है माइक भी लग जाता है और काफी अच्छी 300 की स्पीड वही ब्लॉगिंग कर सकते हो। तो एक बार मेरे को कमेंट करके बताना क्वालिटी किसकी अच्छी है। मेरे को लग रहा है कि भाई इसी की अच्छी होगी, खैर वो तो इसके लिए दूर का भी नहीं, और वो जबकि वो 4K था और ये 1080p 60fps है, सुपर वाइड पे शूट हो रहा है अभी। और दूसरा आप देखो दोनों के टच में कितना फर्क है भाई, ये देखो कितना सिर्फ उंगली से स्मूथ हो रहा है, देखो स्मूथ सरक रहा है, इसका टच ही नहीं पता लगेगा क्या है क्या है, क्या अजीब सा क्या है पता नहीं, भगवान जाने क्या इंटरफेस है। ये देखो ऊपर नीचे ही नहीं हो रहा बहस किया, इस साइड में 2 बटन है, 1 ऊपर बटन है और बहुत लाइट है ये। सच बात मानो ना तो भाई अगर आप गरीब हो और आप मोटो ब्लॉगिंग के लिए सोच रहे हो मैं 500-1000 रुपए में क्या बुरा है, तो भाई इसको तब भी मत लेना, आपके 1000 रुपए वेस्ट है, क्योंकि इससे मोटो ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाएगी, आपकी आवाज ही नहीं आएगी समझ लो। वीडियो तो चलो हल्की सी फटी फुटी आ भी जाए लेकिन वीडियो जब अचार डालोगे जब ऑडियो ही नहीं आएगी, तो इसको कभी मत लेना, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। आप घड़ी ले सकते हो, घड़ी ठीक है 300-500 में कोई बुरी नहीं है, जींस ले सकते हो ठीक है, स्केटबोर्ड सजाने के लिए घर में ले सकते हो, लेकिन कपड़े लेना इलेक्ट्रॉनिक्स मत लेना, क्योंकि लैपटॉप भी 5-6 हजार रुपए कोई वर्थ नहीं है, खराब ही है 5-6 हजार रुपए चीज, देखो 4-5 हजार रुपए आप फूक भी रहे हो लेकिन वो आपके एक दिन भी यूज ना है, तो मेरे ख्याल से तो बेवकूफी है वो। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड करते हैं और कल वाले ब्लॉग में हम जा रहे हैं पंजाब अपनी सुपर बाइक लेने, तो फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर देना, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कल अपन लेकर आ रहे हैं अपनी सुपर बाइक, दूसरी सुपर बाइक चैनल पे, भाई मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहले रिवील करूंगा, ये रहा मेरा यूजर नेम इंस्टाग्राम का, तो मेरे को फॉलो करना, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में।